यूक्रेन और रूस की जंग का आज 101वां दिन है। रूस ने यूक्रेन के 20% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, तो वहीं रूसी सेना ने अब तक यूक्रेन की 24,000 किलोमीटर सड़कों और 300 पुलों को नष्ट कर दिया है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के KSE इंस्टीट्यूट के एनालिटिक्स डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में यूक्रेनी अर्थव्यवस्था की अब तक 820 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते ही अर्थव्यवस्था को $8 बिलियन यानी कि 62,155 करोड़ से अधिक नुकसान हुआ। अफ्रीकी संघ के प्रमुख और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को एक बैठक हुई। दरअसल दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि अफ्रीका को भोजन की जरूरत है और रूस को सहयोगियों की। अफ्रीका में सूखा, आंतरिक हिंसा के पहले से खाद्य संकट मौजूद था।